2004 से 14 जब सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, कुल आतंकवादी घटनाएं 7217 हुई थी और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2197 हुई है ये 10 साल। अब सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा करिए खड़गे जी, 70% की कमी हुई है मान्यवर, 70% की कमी हुई है और उसमें धारा 370 हटाने के बाद केवल और केवल 4 साल ही गए। सिक्योरिटी ऑफ फोर्स और नागरिक टोटल 2829, करीब 3,029 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। अब मान्यवर 3,000 नागरिक उस वक्त 4 से 14 में मारे गए, 14 से 23 में 891 नागरिक मारे गए, 70% की कमी सिक्योरिटी फोर्सेस और नागरिक। और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी 50% की मान्यवत कमी। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है, मैं आंकड़े बताना चाहता हूं और मनोज जी खास देखे, आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुने सोचे और विचार परिवर्तन होता है तो ईश्वर के लिए करे। मान्यवर, ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी, 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग ही नहीं हुई है तो मृत्यु भी नहीं हुई, जीरो मृत्यु हुई। मान्यवर, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिकों की मैं बात करता हूं, सिक्योरिटी फोर्स नहीं, नागरिक जो घाटी के हैं वो 6,235 थे, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है, जीरो जख्मी है। अरे भैया, इनको दिखाई नहीं देता है। सीज फायर वायोलेशन की घटनाएं 2010 में 70 थी और 2023 में 6 हुई। घुसपैठ के प्रयास 489 थे, सिर्फ 48 हुए हैं। मान्यवर, वापिस लौट गए आतंकवादी 18 थे 2010 में, अभी 281 आतंकवादी घाटी छोड़कर ये संवेदनशीलता का नमूना है नागरिकों के प्रति। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इस पर आक्रामक कार्यवाही करी ऐसा नहीं है, हमने टेररिज्म की इको सिस्टम को खत्म करने का काम किया, जो टेररिज्म को फाइनेंस करते थे उन पर भी काम किया है। NIA द्वारा टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए 2014 के पहले, एक भी केस। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए, पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी।